काफ़ी पीसफुल, शांतिदार, बढ़िया से था। तुम्हारी नली दिहाड़ी खा जाऊंगा, डकार भी नहीं मारूंगा। कल रात को अपन पहुंचे थे इधर बंजार में। बंजार है, बंजर है या बांजर है, ये आइडिया भी देखा नहीं, पता नहीं। इधर से नदी बहुत प्यारी दिख रही है। तो फाइनली दोस्तों, दुनिया के सबसे दो हसीन लौंडे तैयार हो चुके हैं और हम जा रहे हैं जलोड़ी पास। पूरा बैकपैकर्स हम बन चुके हैं, इसमें आधे से ज़्यादा ड्रामा है बट फिर भी कूल लगता है। 1150 लगे, 1150 यू ना, 1150 रुपीज़। तो दोस्तों, हमने अभी तक उतना घूमा नहीं जितना जाम देख लिया। जाम ही जाम है। दिन में ये वाला जाम है, रात में। हट जाओ, आ जाओ, हट जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, में आज कैंपिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम कैंपिंग कर रहे हैं, टेंट अभी लगाना नहीं आता, सीखेंगे उधर जाके। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, आई होप कि सिलोलसर लेक पहुंच के बारिश ना हो। इधर पानी की बड़ी कमी है, इधर वॉशरूम ही है। मैं सरप्राइज हूँ, सिलोलसर लेक में वॉशरूम का सीन नहीं है। तो अब मेरे को इधर जंगल में जाके लड़के निकले ट्रैकिंग पे, चाहे जितनी बारिश हो जाए, चाहे जितने ओले पड़ जाए, चलेंगे, दौड़ेंगे, रुकेंगे भी, लेकिन वापस नहीं मुड़ेंगे, क्योंकि लड़के निकले हैं ट्रैकिंग पे। मेरे पीछे से रोलसर लेक यारा में, और भीग गए, बारिश अभी भी हो रही है, धूप अब जाके निकली है। तो इधर हमारे ये मंदिर है, तो अभी बस मंदिर में जाके मत्था टेकूंगा, बाबा जी का प्रसाद दूंगा, बाबा जी का प्रसाद लेंगे। विक्ट्री रमेश भाई ने बहुत मदद करी, अपना एक हमारी ऊपर नीचे थी, बड़ी नीचे थी डंडी, तो उसको काटा, दिमाग लगाया रमेश भाई ने। जस्ट अभी उठाऊँ, अभी इस वक्त आई थिंक 6 बज गए। नींद उतनी अच्छी तरह से नहीं आई, कुछ ऐसे वो नहीं था नीचे ना, तकिया वगैरह या कुछ नीचे एकदम पत्थर वगैरह थे। 3-4 घंटे तो सोया हूँ ना। उधर रमेश भाई ने चाय और ब्रेड ऑमलेट तैयार किया है, बस वो खाएंगे, थोड़ा सा इधर चिल वगैरह करेंगे, फिर निकलते हैं।